तो अफसोस होता है कि जिस हिंदू युवा वाहिनी ने और खास करके जो नौजवान आज आपके सामने बैठा हुआ है उसने योगी आदित्यनाथ को बढ़ाने के लिए जब जब योगी आदित्यनाथ को अपनी पोजीशन स्ट्रांग करनी होती थी हिंदू युवा वाहिनी को आगे कर देते थे, इन्होंने मेरी हत्या तक की प्लानिंग की। है दिखाया कि अगर इस देश में मुसलमान रहेगा तो देश फिर गुलाम हो जाएगा, इस चीज का भय दिखाया हम लोगों के को जो धर्म की के अफीम को सुहा करके अपने राजनीति के महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए हिंदू युवा वाहिनी नामक संगठन को हिंदू युवा नौजवानों को इन्होंने एक सीढ़ी के रूप में प्रयोग किया। जब मैं 1998 में गोरखपीठ से जुड़ा था जी, तो उस समय एक मैं मिट्टी का कच्चा लोथड़ा था और मैंने अपने आप को, अपने को नहीं लाखों नौजवानों को उनको समर्पित कर दिया। हम टीनेजर थे, सोचने की क्षमता कम थी, समझने की क्षमता कम थी, हमने उनको समर्पित कर दिया योगी आदित्यनाथ को। हमने कहा कि हम वो मिट्टी हैं, जो उस तरह का आप स्वरूप देना चाहें उस तरह का स्वरूप दें। इन्होंने हमें सपना दिखाया, इन्होंने हमें भय दिखाया, इन्होंने हमें भय किस चीज का, भय दिखाया कि अगर इस देश में मुसलमान रहेगा तो देश फिर गुलाम हो जाएगा, इस चीज का भय दिखाया। और इन्होंने कहा, इन्होंने हमें हम लोगों को जो भय दिखाया, हम लोगों को जो सपना दिखाया और हम लोगों के को जो धर्म की के अफीम को सुहा करके अपने राजनीति के महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए हिंदू युवा वाहिनी नामक संगठन को हिंदू युवा नौजवानों को इन्होंने एक सीढ़ी के रूप में प्रयोग किया। एक सीढ़ी के रूप में प्रयोग किया और जब उस सीढ़ी से सत्ता के शीर्ष में पहुंच गए तो योगी आदित्यनाथ ने कहा हिंदू युवा वाहिनी वालों को थाने में बंद कर दो। इसलिए तो मैंने उस दिन कहा कि इसी प्रकार का धोखा तो रावण ने दिया था सीता माता को केसरिया वस्त्र पहन करके, इसी प्रकार का धोखा कालनेमी नामक राक्षस ने हनुमान जी को दिया था जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे। चलिए, बात ये हिंदू युवा वाहिनी की थी। सन 2017 में जब ये मुख्यमंत्री बन गए तो ऐसा आपके रिश्तों में कहां से कड़वाहट आई कि आपके ऊपर एनएसए लगाकर आपको जेल भेज दिया गया? योगी आदित्यनाथ को लगता था कि हमारी सच्चाई, हमारा असली चेहरा, हमारा चरित्र समाज के बीच में आ जाएगा अगर इसको मैं छोड़ करके रखूंगा। तो योगी आदित्यनाथ ने पहले तो मुझे खूब उत्पीड़न कराया, मेरी हत्या तक की प्लानिंग कर दी, लेकिन आप लोगों की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, समाज इस देश की तमाम नौजवानों के आशीर्वाद से आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। इन्होंने मेरी हत्या तक की प्लानिंग की, एक डाकू की तरह इन्होंने मुझे टॉर्चर रूम में टॉर्चर करवाया, इन्होंने मुझे गोरखपुर जेल में एनएसए लगवा करके जेल का ट्रांसफर करके लखनऊ जेल के तन्हाई में रखा। उनको भय था ना, उनको डर था कि अगर यह रह गया, यह आ गया समाज के सामने तो समाज के सामने मैंने जो मुखौटा उड़ रखा है ना, उस मुखौटे को यह ओपन कर देगा, खोल देगा, जो मेरा चेहरा है, असली चेहरा समाज के बीच में आ जाएगा, मेरा जो चरित्र है वो समाज के बीच में आ जाएगा। ये भय था। ये क्या मोटी मोटी बातें हैं। आपने पहले इंटरव्यू से पहले कंडीशन रख दी थी कि आप बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे उस काले चिट्ठे के बारे में, लेकिन कुछ मोटे तौर पर हमें ये बताइए कि ये कौन सी बातें हैं जिनका भय था मुख्यमंत्री को यहाँ पे सब खोला जाए समय आने नहीं, कुछ समय समय कुछ समय 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 पे आखिर क्यों क्यों मैं क्या था? मैं आतंकवादी था? मैं अपराधी था? मैंने तो 22 साल तक, हम मान लेते हैं कि आज वो पहला घड़ी है कि आप पहली कड़ी खोल सकते हैं। सर मैंने कहा ना कि पहली बात तो इन्होंने सपनों का कत्ल किया है। क्या सपने थे? सपने कि सपना सपना नौजवान सपना देखा था कि योगी आदित्यनाथ जैसा युवा सन्यासी के हाथ में अगर प्रदेश और देश की बागडोर होगी तो
इस देश का नौजवान को एक दिशा मिलेगी, इस देश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, इस देश के किसानों में खुशहाली आएगी, इस देश के व्यापारियों, इस प्रदेश के व्यापारियों में खुशहाली आएगी, गरीबों में खुशहाली आएगी। लेकिन आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। एक संत से आप ऐसी उम्मीद करते हैं, फर्जी आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं एक संत के द्वारा। कौन से फर्जी आंकड़े? फर्जी आंकड़े। गोरखपुर में जो सबसे बड़ी समस्या थी, जहां से योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, जिस जिले से योगी आदित्यनाथ आते हैं, वो जिला इंसेफ्लाइटिस से ग्रसित है, वो जिला बाढ़ से ग्रसित है। इंसेफ्लाइटिस से हर साल बच्चे मरते थे, इस समय भी बच्चे मर रहे हैं, लेकिन उसके आंकड़े योगी आदित्यनाथ समाज के बीच में मीडिया में नहीं आने दे रहे हैं, रोक लगा दिया है। जी, और इन्होंने कहा हमने पूरा जिले को ओडीएफ कर दिया। फर्जी, एकदम फर्जी। मैंने कहा, उन्होंने कहा गोरखपुर जिला ओडीएफ हो गया। अरे क्या श्रेय लेना चाहते हो, मैं भी गोरखपुर जिले से आता हूँ, आप अपना जाकर के ग्राउंड लेवल की पड़ताल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या हुआ था कि जो आपके ऊपर एनएसए लगाया गया। उनको भय था कि इसको, उनका उनका ये मानना था कि भय कि हमें एक पॉइंट आप कुछ हिंट करिए किस अच्छा, बात का भय था। 22 साल आपने ये बोला कि मैं 22 साल उनके साथ रहा हूँ जी, 22 साल तक उनके साथ काम किया हूँ जी, तो उनकी बहुत अच्छाइयां जानता हूँ, तो कुछ कमियां भी जानता हूंगा ना। तो उनको ये भय था कि अच्छाई तो समाज जान चुका है जी, कमी तो खाली सुनील सिंह जानता है, तो कहीं सुनील सिंह समाज के बीच में, लोगों के बीच में अगर अपना जबान खोल देगा तो हो सकता है कि मेरा नुकसान हो जाए। अब असली चेहरा सामने आ गया। हम मान रहे हैं कि उनको भय था, अब आपने सपा ज्वाइन कर ली, क्या अब आपको नहीं भय है कि उनको अब और भय होगा? जी भय होगा, भय होगा। और आपको भय नहीं है? हमें किस चीज का भय? आप एक बार एनएसए लग चुका है, आपको जेल में डाला गया। हम तो बैग लेके आपके सामने उतरे हैं, हमेशा बैग लेके गाड़ी में चलते हैं जी, जब चाहो तब जेल में भेज दो, तुम्हारी सरकार है, मुझे जेल में भेज दो, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, हर पीड़न सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारी हकीकत को समाज के बीच में बताऊंगा, तुम्हारी सच्चाई को समाज के बीच में बताऊंगा, तुम्हारे मुखौटे को खोलूंगा, संत के वेश में जो समाज को ठगने का, समाज का के सामने झूठ बोलने का जो तुम काम कर रहे हो, वह उस चीज का उजागर तो सुनील सिंह करेगा ही करेगा। हिंदू युवा वाहिनी का अभी सीए पर क्या स्टैंड है? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उस भ्रम से देश की जनता को बाहर करना और सीएए के नाम पे, 370 के नाम पे, मैं धारा 370 पे भी आना चाहता हूँ, धारा 370 पे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उस भ्रम से देश की जनता को निकाला जाएगा। क्यों गली गली आप जो है इसको हिंदू और मुसलमान का में खाई खोदने के लिए सभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, 250 से ज्यादा रैली सरकारी खर्चे पे करने जा रहे हो, क्यों दे हमारे टैक्स के पैसे को आप बर्बाद कर रहे हो अपने नाटक करने में? हम इसका विरोध करते हैं।